कभी वेटिंग रूम में सो जाते थे और कभी चले जाते थे मंदिर पर सोने। सुबह में उठे ना सुबह में तो पूरा मोहल्ला में पता किए तो मम्मी नहीं थी, फिर परिवार यहाँ पता किए वहाँ भी कहीं नहीं थी। हमसे लड़ाई झगड़ा करती थी, हमको बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए गुस्सा में आकर हम स्टेशन पर आने लगे। किसी का सपना होता है कि हम अच्छा कलाकार, अच्छा सिंगर, अच्छा स्टार बने। तेरे ही नाम से दिल मेरा धर के, तेरे ख्यालों में सुबह शाम तड़पे। मेरा एक सपना है कि हम हिमेश से भी अच्छा सिंगर बने और हिमेश से हम मिले, फेस टू फेस हम मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। इस टाइम पर हम लोग आए हुए हैं पटना में, और यहाँ पर हम जब आए तो हम यहाँ पे कुछ रिस्टोरेशन के काम से आए थे, जो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम जो भी आश्रम्स में लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं उनको मिलवाते हैं। तो जब हमने यहाँ के आश्रम विज़िट किए तो हम देखकर हैरान रह गए कि किस तरीके से इतना बेहतरीन कार्य हो रहा है। यहाँ पर पुरुषों को रखा जाता है, और मैं आपको मिलवाता हूँ राजेश जी से, और आप देखिए कि कैसे यहाँ पर रहकर उनकी ज़िंदगी को बदला जाता है। कैसे ये सरकार की योजना है कि जो भी लोग भिक्षा मांग रहे हैं रोड पर, तो उनको हम रिस्टोर करें, उनको हम अच्छे से प्रॉपर खाना दिया जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाए, और जब वो स्टेबल हो जाएं तो उनको हम लोग रोज़गार की तरफ शिफ्ट करें। नमस्कार राजेश जी, कैसे हो आप? आप यहाँ पर कितने दिन पहले आए थे? 5 दिन। आज 5 दिन हो गए। तो आप कहाँ पर थे और कहाँ से आपको यहाँ लेकर आया गया? हम जैसे कि मतलब स्टेशन है ना, हाँ, और सीढ़ी उतरने का होता है ना, हाँ, बाहर जाने का, हाँ, तो हम सीढ़ी पे बैठे हुए थे। कितने दिन से वहाँ बैठे हुए थे आप? 8-9 महीना हो गया। 8-9 महीना से आप जो रेलवे स्टेशन की पटरी है आप उसी पे बैठ रहे थे? नहीं, आने जाने का जो सीढ़ी होता है ना, हाँ, उस पे बैठे हुए उसी पे, मतलब हाँ, वहीं आप बैठते थे 8-9 महीने? लोग भी बैठे हुए थे वहाँ पे, लोग भी और बैठे हुए, मतलब आप 8-9 महीना से वहीं जाकर बैठते थे रेलवे स्टेशन पर ही आप मतलब रहते थे, हाँ, कहने का मतलब ये है, हाँ। और खाना वगैरह मंदिर पर जैसा है ना, महावीर मंदिर, वहाँ भंडारा लगता है डेली, हाँ, 2 टाइम मिलता है खाना। खाना वहाँ आप खाते थे। सोते कहाँ पर थे आप? कभी वेटिंग रूम में सो जाते थे और कभी चले जाते थे मंदिर पर सोने। फैमिली में मेरा पापा डेट कर गए हैं, उनको गुजरे हुए करीब 10-15 साल हो गया, और मम्मी लड़ाई झगड़ा हुआ था ना, तो मम्मी घर से मतलब बिना बोले हुए चली। किससे लड़ाई झगड़ा हो गया था? हमारी सिस्टर से, हमसे हुआ था। तो मम्मी फिर कहाँ चले गए? बिना बोले हुए घर से चली गई। तो उनको क्या चोट लग गया था कपार में? नहीं, अब बुरी सुरी हो गई थी ना, बुजुर्ग हो गई थी, और मम्मी को लड़ाई झगड़ा मतलब देखा नहीं गया, और उसी वजह से मतलब मम्मी रात को मतलब घर से निकल गई। फिर हम सुबह में उठे ना सुबह में तो पूरा मोहल्ला में पता किए तो मम्मी नहीं थी, फिर परिवार यहाँ पता किए वहाँ भी कहीं नहीं थी। आपका शादी हो गया है? शादी नहीं हुआ। और बहन? बहन है, 3 बहन, तो 1 बहन डेट कर गई और 2 बहन हैं। छोटी वाली जो है ना वो मेरे यहाँ रहती है घर पे, और एक बड़ी वाली है वो अपने ससुराल रहती है। लेकिन आप अभी घर पे कौन, अकेले बहन रहती है? हाँ, बहन रहती है। तो आप मतलब रेलवे स्टेशन पे क्यों सोते थे फिर जब घर रहता? बताते हैं कारण, वो जो बहन है ना बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करती है, और हमको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है। हम शांति में रहने वाले लड़का हैं, हम भूखे सूखे रहकर हम शांति में रहने वाले हैं। हमसे लड़ाई झगड़ा करती थी, हमको बर्दाश्त नहीं होता था, इसीलिए गुस्सा में आकर हम स्टेशन पर आने लगे। और शादी क्यों नहीं किए? शादी, शादी का भी रीज़न है कि कुछ मतलब मेरा लव स्टोरी का ये सब का मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो सब हम जानते हैं कि वो सब एक नंबर रद्दी चीज़ होता है, हम सब कुछ जानते हैं। तो शादी इसलिए नहीं किए कि मजबूत अपने पैर पे नहीं है, और भी प्रॉब्लम है इस वजह के कारण। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम एक और है कि मेरा घर है उसमें अभी मेरा हिस्सा है आधा, और आधा एक चाचा का हिस्सा है, जो बंटवारा नहीं हुआ हम दोनों में। तो प्यार तो हुआ था ना? हाँ हुआ था, लेकिन वो सब फिर हम
माइंड से निकाल दिया और मन से निकाल दिया। वो बोलती थी ना शादी करने को, आप ही मना कर दिए। मना कौन किया, आप किए कि वो किए? वो अपना कर ली, मैरिज कर ली, फिर हम वहाँ से अपना यहाँ से खुश हुए हैं आप उसको शादीशुदा देख के? हाँ। मतलब उस चीज का तो कोई नहीं, टेंशन नहीं, कोई टेंशन बस नहीं है। उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगा था, उस टाइम पे बुरा लगा था, लेकिन आप फिर भी घर से परेशान थे इसलिए आप वेटिंग रूम में कभी सोते थे, खाना आप मंदिर पे खाते थे, तो जो यहाँ ये सब का कारण मेरा मजबूरी था, ये मेरा शौक नहीं था, ये मेरा मजबूरी था। तो ये जो बिहार सरकार की मुहिम है वो यही है कि कोई भी भिक्षुक इन्हें रोड पर ना दिखाई दे या कोई भी इन्हें बेघर ना दिखाई दे। तो इसी मुहिम के तहत जिला प्रशासन ने यहाँ पे इतने सारे आश्रम खोले हुए हैं ताकि जो भी लोग रोड पर हैं उनको एक आसरा मिल पाए। तो आप फिर यहाँ आ गए, यहाँ पे लेके आने के बाद क्या किया गया? सबसे पहले यहाँ पे आए ना तो हम बोले ना कि हमको पूरा डिटेल दीजिए, पूरा हमको बताइए। तो वो बोले कि नहीं, पहले बाल में पानी लगा कर आओ, फिर बैठा लिए, बैठा कर उसके बाद ये छील दिए, ये छीले, फिर उसके बाद बोले जाओ जाकर नहाओ। अच्छा लगा छीले तो? वो इसलिए छीला जाता है ताकि, क्योंकि बाल बहुत बड़े बड़े रहते हैं, इन्फेक्शन वगैरह रहता है, गंदा रहता है, तो इसलिए सारा बाल वगैरह छील दिया जाता है, नाखून काटा जाता है और जो पुराने कपड़े होते हैं वो उतरवा के उन्हें जला दिया जाता है। गलत कह रहे हैं? सही बात है। उसके बाद आपने आज जैसा कपड़ा पहना हुआ है राजेश जी, क्या पहले भी आपके कपड़े ऐसे थे? नहीं होने का कारण है, वो कारण मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, पर यहाँ पे पैक हैं, अंदर में पैक हैं और पहले जो थे हम रोड पे थे। आपको यहाँ पैक करके नहीं रखा जाएगा, अभी आपको 5 दिन हुए हैं, आपको यहाँ पे दवाई ववाई दी जाएगी, अच्छा खाना दिया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे रोजगार के माध्यम, किस तरीके से आप रोजगार अपने अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं वो आपको सारा मदद की जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी आपको यहाँ पे पहले अच्छे से सेवा हो रही है आपकी, ताकि आपके शरीर में जितने भी रोग हैं वो दूर हो जाएं, आपको अच्छा अच्छा खाना दिया जा रहा है ताकि आपके शरीर में जान आ जाए, फिर आप जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर हम लोग आपको, जो भी ये पूरी टीम है, ये आपको रोजगार के भी माध्यम से रूबरू करवाएगी। समझ रहे हैं आप बात मेरी? परेशान तो नहीं है ना, खुश हैं? सच बताइएगा, जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे हैं? क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? क्या हुआ, नहीं बात करना चाहते हैं? नहीं, बात तो कर ही रहे हैं। तो क्या परेशान क्यों हो रहे हैं, बोलिए। हम जैसे कि ना भिक्षा मांगने वाला है और ना हम बेघर हैं, हम मजबूर हैं बस। समझ रहे हैं आपकी उस मजबूरी का ही, यहाँ पर उसका समाधान निकाला जाएगा आपकी मजबूरी का, आपकी मजबूरी का समाधान निकाला जाएगा। आप देखिए, पहले आप कहाँ सो रहे थे, खुद बताइए। हम तो बोले मंदिर पे, वेटिंग रूम में है ना, वेटिंग रूम में और भी लोग होते हैं, सरकार की उससे इमेज खराब होती है, कोई बड़ा मंत्री आएगा बाहर से, वो देखेगा कि कैसे पटना के वेटिंग रूम का ये हालात है। समझ रहे हैं, वेटिंग रूम का मतलब क्या होता है, कि जिनका ट्रेन आने वाला है वो वहाँ इंतजार करे। तो यही तो बिहार सरकार की मुहिम है कि भैया वेटिंग रूम पे आप जैसे जिनको मजबूरी है, जो बेसहारा हैं, बेघर हैं, वो उनके लिए हम आश्रम बनाएं, वहाँ पर उनको रखा जाए। समझ रहे हैं आप बात मेरी? तो आप इस चीज़ पे परेशान मत होइए। समझ पा रहे हैं बात मेरी? समझ रहे हैं? तो आपको शौक है गाना गाने का ना, एक ठे गाना सुना दीजिए। बहुत बड़े फैन हैं राजेश जी हिमेश रेशमिया जी के, मतलब बहुत बड़े फैन हैं। देखिए, सबका अपना अपना ये होता है। हाँ। किसी का सपना होता है कि हम अच्छा कलाकार, अच्छा सिंगर, तो अच्छा स्टार बने। कलाकार बनना चाहते थे आप, और आप किसको देखते थे आप, बोलिए। नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, आपको एक ठो गाना हम सुनाते हैं। नहीं बताइए, मन का बात बताइए, मन को उदास मत रखिए। कलाकार बनना चाहते थे ना आप, किसके जैसा? हिमेश से भी अच्छा। एक ठे गाना सुना दीजिए तो। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी
कभी उड़ती मैक, कभी गीली फिदा, कभी पाके दुआ, कभी धूप कड़क, कभी छाओ नरम, कभी सर्द हवा, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। गजब। सीखे हैं और भी रुकी ना, सीखे हैं कहीं से? नहीं, हम देखते हैं टीवी पे ना, खुद से हम सीख जाते हैं। एक और इसी में, इसी लाइन का और सुनाते हैं अभी। इस लाइन का एक जो हम गाए ना, और एक और है, तेरे ही नाम से दिल मेरा धर के, तेरे ख्यालों में सुबह शाम तड़पे, तू ना मिलेगी मुझको पता है, दिल है कि फिर भी मानता नहीं, किसी और की महक मैंने ली नहीं, कभी तुझसे अलग मैं रहा ही नहीं, फिर कैसे जुदा मैं तुझसे रहूं, ये दर्द सनम मैं कैसे सहूं, तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। इसीलिए अंत था। आपके चेहरे पे मुस्कान देखे, आप कांप क्यों रहे हैं, क्या हो गया? नहीं, कांप नहीं रहा। आंखों में आपके आंसू आ रखे हैं, क्या हुआ? हाँ, आपके मन में बहुत सारी बातें छुपी हुई है ना। मेरा एक सपना है कि हम हिमेश से भी अच्छा सिंगर बने, और हिमेश से हम मिले, फेस टू फेस हम मिले, हिमेश से भी अच्छा हम स्टार बने, सुपर 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 महा सुपर हम बने कलाकार। तो ये कहानी थी राजेश की। क्या वजह हुई कि आज राजेश ऐसे हैं? परिवार के हालात, आपस में जो परिवार में लड़ाई झगड़ा था, उसने इनको अंदर से तोड़ के रख दिया। रेलवे स्टेशन पर सोना, मंदिरों में रात को सोना, फिर जो महावीर जी का यहाँ मंदिर है वहाँ पर भंडारे में खाना खाना, क्या पहले तो ऐसे नहीं थे ना? सिर्फ परिवार में जो लड़ाइयाँ हुई, जिनसे ये मोहब्बत करते थे उनसे शादी नहीं हो पाई, और उसकी वजह से आज राजेश इस हालात में है। राजेश को उन्होंने वहाँ से उठाया, यहाँ लेकर आए। आप उस टाइम पे तो मना कर रहे होंगे ना, मुझे मत लेके जाओ, मुझे मत लेके जाओ। पर आपके ही अच्छे के लिए, आपकी भलाई के लिए ही आपको यहाँ पर लेकर आया गया है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो मैं जब यहाँ पर आया ना, मैंने इन पूरे आश्रमों को देखा, मुझे इतना अच्छा लगा कि पहली बार मैंने कोई देखा आश्रम जो पुरुषों के लिए है। वरना अभी तक मैंने बच्चों के लिए देखा था, वृद्धाश्रम देखे थे या महिलाओं के लिए देखे थे, पर यहाँ पटना में जब मैंने पुरुषों के लिए आश्रम देखे और जब मैंने विजिट किए वहाँ पर, देखे कि इतने अच्छे से रखा जा रहा है, इतनी अच्छी देखभाल की जा रही है, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जिस बिहार को हम पिछड़ा हुआ समझते हैं, जब बिहार की बात करते हैं तो ये ख्याल आता है जहन में कि यार लेबर मजदूर, ठीक है, या फिर कुछ लोग बात करेंगे कि IAS ऑफिसर, या फिर लेबर मजदूर या गरीबी। लेकिन आप लोग ये काम देखिए, पटना में हो रहा है। तो आज राजेश जैसे न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगियां बहुत बेहतर हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई होगी। जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मदद करिए हमारी, जितना ज़्यादा हो सके आप इन आश्रमों में आइए। अगर आप पटना और पटना के आश्रम के आसपास रहते हैं तो यहाँ पर आप लोग विज़िट करिए,
विजिट करिए, देखिए कि कितने अच्छे से यहाँ की सरकार इन आश्रमों को चला रही है। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कि ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा। और इतना ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिएगा इस वीडियो को, इतना शेयर करिएगा कि जो राजेश की एक ख्वाहिश है कि वो मिलना चाहते हैं हिमेश रेशमिया जी से, वो इनकी पूरी हो पाए। जी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।